एक माह गुजरने के बावजूद मोहल्ला यार मोहम्मद बिरोई से बरसात का पानी निकल न सका। अहले मोहल्ला आज भी मस्जिद जाते वक्त बरसाती पानी से गुजर कर बहुत सी परेशानियों का सामना करने पर मजबूर हैं, जबकि म्यूनसिपल चेयरमैन सब कुछ बाखबर होने के बावजूद बेखबर बनकर बैठे हुए हैं। मेहरबानी दा वश न्यूज़ गुलाम अली बरोई साहब, असां इते अज यार मोहम्मद बरोई गोठे मौजूद आयूं। जी तुम ऐसी रहा हो कंडीशन जो बरसात जो महीनो पूरा थी वो जो पानी अना तीन नेकाल न करा सको जो नायल चेयरमैन असा मिलो असो वजीर आला के अपील था क्यों तो अड़े नायल चेयरमैन के फौरी तौर हटा वे सामू ती रहा तो मस्जिद आ जिते अचण वन भी मान तकलीफ़ थी रो है उन असं इतों के जुडिशनल जज साहब इंक्वायरी मन जो करें जो 4.5-3 करोड़ रुपये जो हर महीने जो बजट आ तो किथे खर्च तो करे वो जो ये पैसा पैं बंगलन में खर्च करे तो पैं यार वेसन के मतों खर्च करे तो पो ए असें खबर पो जो गुजरल महीने जो बजट हो 3-4 करोड़ उनमें भी मन जो मन लैंड क्रूजर गाड़ी वही वरत आ उनके अलावा जो रोडन रस्तन जहा हालात तुम सामू ऐसी रहा आयो सही ये महीनों से पानी बीठो आसो दग रस्त को घिटिन में जो सो अच वन सो को थे मच्छर एडो आज अस बार बीमार हर शे बीमार लगी पई आ बस वो बजट तो वही थी अचे पी पर अलग कड़ा अलामदार खी था वन पेहरबानी कर अर्सा क्यों पे पानी भी सुखाए दिन या घिटी ठहरा दिन सहूलत दिन अस हाँ घिटिन की हालत है पानी बीठो आ नालू इन सहूलत ना है गरीब आवाम जनता के मेहरबानी करे ये अपील कई वे थी तो गिटियों रस्ता है ठहराए जाने नाली उनकी सहूलत ना है। वश न्यूज से बात करते हुए अहले मोहल्ला का मजीद कहना था कि हम हर बार वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को ही देते हैं, मगर अफसोस कि कई दहाइयां गुजरने के बावजूद भी हमें अब तक हमारा बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली बरावई, वश टीवी, शदादकोट।